आज भारत न केवल अपनी संस्कृति को बचा रहा है बल्कि दुनिया में अपनी संस्कृति का परचम भी लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट देश व दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात न करते हुए अपकमिंग हिंदू टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 पर है कृष्णा बलराम टेम्पल जयपुर। जयपुर में वृंदावन के तर्ज पर 70 करोड़ की लागत से 4 एकड़ एरिया में इस पूरे मंदिर परिसर को आधुनिक और विश्व स्तरीय के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन लगभग 80-90% पूरा भी हो गया है और 2025 तक इसे बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें 200 फीट ऊंची इस मंदिर को बनाया जाना है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची मंदिर भी होने वाला है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है कृष्णा बलराम कल्चरल सेंटर वृंदावन। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना और बढ़ते इस्कॉन समुदाय और उससे आगे की सेवा करना है। यह परिसर लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला होगा। इसमें 112 कमरे वाला गेस्ट हाउस, एक बड़ा गोविंदा रेस्टोरेंट और सेमिनार के लिए हॉल और भक्तों के लिए पार्किंग की भी सुविधा होगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है विराट रामायण मंदिर बिहार, जो कि एक 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। 120 एकड़ में बन रहे इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में कुल 22 मंदिर बनेंगे। यहां पर सबसे ऊंचा मंदिर के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी बनाया जाएगा। इस मंदिर का टोटल फ्लोर एरिया 367,000 स्क्वायर फीट होने वाला है और ये मंदिर 3 फ्लोर का होगा। 20 जून 2023 को इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, जो जल्द कम्प्लीट होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है ओम आश्रम राजस्थान। राजस्थान की धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी ओम आकृति वाले स्वरूप लगभग बनकर तैयार हो गई है, जो कि 250 एकड़ में फैला है। इस प्रोजेक्ट को बनने में 25 साल का समय लग गया है। 1995 को शिलान्यास किया गया यह प्रोजेक्ट 2024 को तैयार हो चुका है। हालांकि कुछ और कार्य कंप्लीट होते होते 2025 तक समय लग जाएगा। इसमें शिखर पर ब्राह्मण की आकृति का 135 फीट ऊंची मूर्ति को बनाई जानी है। वहीं सबसे ऊपरी भाग में शिवलिंग को भी स्थापित किया जाना है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है इस्कॉन टेंपल मायापुर वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। यह मंदिर कोलकाता से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है। जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी वास्तुकला धारुओं को खूब आकर्षित करेगी। यह अब तक का सबसे महंगा मंदिर भी होगा, जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए होगी और यह पूरा मंदिर परिसर 700 एकड़ में फैला होगा। इसके 90% कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि 2025 में इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 प्रोजेक्ट है चंद्रोध्या टेम्पल वृंदावन। चंद्रोध्या टेम्पल वृंदावन में बनाया जा रहा है। यह चंद्रोध्या टेम्पल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर डेडिकेटेड होगा, जिसमें 70 फ्लोर के रूप में 253 मीटर यानी 700 फीट ऊंची टेम्पल्स को बनाया जा रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची और बड़ी मंदिर होगी, जिसे 22 एकड़ की जमीन पर 700 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली है। ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मंदिर भी होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडिया के अपकमिंग टेम्पल प्रोजेक्ट, जो जल्द कम्प्लीट होने की उम्मीद है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।